राम राम भाई, सारे भाई ना, मैं हूं तारा देसी पत्रकार करूं। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। जो पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी, को पबजी खेल ले बाड़ा, को फ्री फायर खेल ले है और वो दरवाजे भीतर ते बंद कर ले। तो फिलहाल आड़े है मुंदड़ी ते मैं लाइव जुड़ गया हूँ। और एक छोरा 22 साल का है और भाई 4 घंटे ते दरवाजा मतलब बालकनी में हो, अंदर ते बंद है। तो उनके पापा ने मेरे तरफ फोन कराया, बोला कर मुँह माम तेरी सारी वीडियो देखा हाँ, महाराली इस समस्या सुलट लिया। और बोलिया दिक्कत बन रही है, 4 घंटे तक दरवाजा खोल कौन रहा, पूरा मामला के है, घंटी बजा दिया। हाँ जी रविदत्त जी, नमस्कार जी, राम राम। खोल लिया दरवाजा? ना जी, मैं तो बड़ी चलो चलो के मामला छिड़ रहा है। गले गले शेयर करते रहो भाई। 4 घंटे तक बालकनी में दरवाजा अंदर तक बंद है, बंद है भाई। लवलेश भाई, लवलेश देख लो जी, सुनता तक ना बिल्कुल भी। लवलेश घंटा कर, घंटा बताई भी नहीं हुआ, घंटा का 4 घंटे हो गए। इतने बड़े ने धूप में बैठा था, देख लो के टाइम हो गया। अच्छा चलो, दरवाजा नहीं खुलता जी। वीडियो देखो आप हमारी। हाँ जी, यू भी देखता होगा, यू भी देखा, सारे देखा जी, बिल्कुल फैन आपके। इमाम कर दें खुल जा सिम सिम सिम। लवलेश देसी पत्रकार करमू, यू आया 1 मिनट का गया ये भी 1 मिनट का गया भाई, करमू देखते यू आया ही पे, यू और तो नहीं बंद करा लगे, रोज का काम है जिसका। फिर कितने कितने देर में लग रहा है? कोई पूछे ना जी, कोई टाइम नहीं है इसका भाई। रे अरे लड़ ले के नाम था? लवलेश जी। के रहता है तुम्हारा? मैं बस फ्री फायर के लग पबजी। नहीं जी नहीं, पबजी पबजी का जी। क्या चल रहा है? बस थोड़ा इन्वेंशन कर रहा। बैठ बैठ जा, क्या का इन्वेंशन आ रहा? तेरी इन्वेंशन मारा टेंशन, टेंशन हो गई थी। तेरे पापा ने कहा बोला और दिन 2 घंटे हम बाहर लिख रहे था, आज 4 घंटे तो बैठे हाड़ बालकनी में। भी ऊपर हो गए जी, है 4 दिन भी ऊपर हो लिए। 1 घंटे का होता रहो, ये भी बीबी ने कहा था आपके शाम की बात, बोले 1 घंटे रुक जा अभी। लवलेश क्या चल रहा है, क्या है दिखाओ भाई, एक बार आ जा मोहित दिखा। मां तो मार तो नोर है, मैं कहते पबजी पबजी खेल रहा हूँ, क्या चल रहा है बता। ये सर अंधे जो लोग हैं, नेत्रहीन है, जो देख नहीं पा रहे, हाँ। तो उनके लिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट लॉन्च करूँ कि कुछ, ताकि उनको भी देखने में दिक्कत दुविधा दूर हो। साथ साथ जो बहरे लोग हैं, अंधे लोग हैं, बहुत मुश्किल जिंदगी है। तो लवलेश घर के तू तो दिख जा कर, 4 घंटे दाड़े बैठे, 1 घंटा और तू कहो था। अरे देखिए तुम बेरा अंधेरा हो लिया, बेरा है दिखाई ऊपर लगा दे रहा हूँ, धूप में बैठा होगा मेरे ख्याल से। दोपहर तो ये काम करो, ठंड हो रही है, एक तो आप अंदर आ जाओ, अंदर भी तो समय भी तो होगा, कमरा कमरा अंदर चक्कर ही है जी। अभी घर बनाया तो गेट नहीं लग रहा वहाँ, तो फिर बार बार आ जा आ जा, डिस्टर्बेंस हो, डिस्टर्बेंस बहुत होती है। अच्छा चलो, इसको आप एक बार यहाँ से है ना, एक बार आप उठा कर आप, क्योंकि अंदर आ जाओ। हाँ, या क्या की छड़ी ही है ये भी, इन्हें जो नेत्रहीन के लिए चीज वही, इसमें अच्छा, बताता हूँ आपको अंदर। चलो आ जाओ, आ जाओ। तो फिलहाल मैं बता दूं, लवलेश जो है मतलब इनके परिवार में हमारी वीडियो तो ही देखे हैं, लेकिन इनके पापा ने मेरे को जहाँ तक बुलाया, बोला यूं तो खोल लेगा, तेरी आवाज सुनकर खोल देगा। तो आप चुकर तो देखोगे, लवलेश 22 साल का एक नू समझ लो बाल वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, रिसर्चर है। और रिसर्चर तो भाई रिसर्च में इतने खोजे उन्होंने, नुन भीरा पड़ता भाई, धूप है, छा है, दिन है, रात है, मी है, बारिश है। आज भाई लवलेश, या लवलेश की वर्कशॉप में हम पहुंच गए हैं, और सबसे बड़ी बात दिखावांगे, एक सबसे बड़ी बात के, क्योंकि कुछ रिसर्च इसी भी है सुन में जो आ रही है, अगर भाई वही इसी रिसर्च है जिनमें यू 6-6 घंटे नहीं बिचर चल करता, और कदे कड़े कड़े जाओ सर मजीब कड़े कड़े दरवाजे। अच्छा इसके हम दिखा दू मैं तुमने, आड़े गेट को नहीं, लवलेश ने सोचा भी बीच में ये तो डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि नया मकान बना यहाँ गेट को नहीं, इसलिए लवलेश ने बालकनी में कोई सामी आड़ा उस सामी गली में। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा आ जाओ भाई, एक चीज आप बता रहे थे वो। हाँ जी बताओ क्या है ये सर? अभी बहुत सारी चीजें मार्केट में है, बहुत रिसर्च भी करी है मैंने अलग अलग तरीके की, पर जो अंधे लोग हैं ना उनके लिए कुछ नहीं है सच। और दूसरी चीज क्या है कि अगर मैं 1 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करके चलूं, आप खुद ट्राई करो, मुश्किल है, सोचना कितना मुश्किल है जी। तो अंधे और जो बहरे लोगों के लिए कुछ करना था मेरे को, ताकि काम आए, किसी की जिंदगी आसान हो, तो फिर मैंने डेवलप प्रोडक्ट। अच्छा क्या इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा जी मैं नेत्रा, अपने संस्कृत से। हाँ जी नेत्रा, जो नेत्रहीन है उनके लिए नेत्र बनेगा। बिल्कुल। तो ये कैसे फिट कैसे हुआ सर? ये क्या है कि इसका मैंने छड़ी दिखाता हूँ आपको, दुकान पहले
एक तो ही मैंने छड़ी बनाई थी पहले, उसकी अपनी पहली प्रोटोटाइप, क्योंकि वो जो नेत्रहीन लोग है वो छड़ी के साथ में चलते हैं, बट आगे कोई जानवर आ गया, कोई भी व्हीकल आ गया तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो अभी ये क्या करती है जी, इसमें मान लो सामने दीवार आएगी, दिखा भाई नजदीक आ जा। अच्छा, तो दीवार आते ही ये अपने आप आवाज देने लग जाती है। अगर आप इसको यहाँ से पकड़ोगे, मान लो साथ साथ बहरा भी है जी, बंदा सुन नहीं सकता, तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन भी फील होगी, वाइब्रेशन हो रही है। अच्छा, वाइब्रेशन भी है। ठीक, हाँ जी। अच्छा, यदि कोई नेत्रहीन व्यक्ति है तो उसके लिए जादुई छड़ी है, जादुई छड़ी है, मैजिकल छड़ी होगी, तो एक किस्म से मैजिकल स्टिक। तो इसमें क्या है, सामने जो दीवार आ गई तो देखो, देखो यहाँ से चले दीवार आ गई तो ये बीप की आवाज देगी। अगर मान लो आप आओगे सामने डिस्टेंस के बाद में ना, इसमें भी रहता है, इसमें मतलब कि अभी जैसे। अच्छा 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 अच्छा, और फिर वाइब्रेशन भी आ जाएगी। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा सर इसमें, मैं अब अंधा इंसान है जी, 400 कैसे करेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसमें मैंने सोलर पैनल भी लगाया है, बंद कर दो एक बार, मतलब आप चलते रहोगे तो अपने आप धूप से चार्ज होती रहती है। हाँ जी, और मान लो कोई परिजन है, अपना परिवार का सदस्य है, अब आप ऑफिस में आपको परवा रहती है, सबको परवा है, तो इसके अंदर जीपीएस भी लगा हुआ है जी, आप फोन से ही देख सकते हो कहाँ पे है, और भगवान ना करे कभी एक्सीडेंट हो जाए तो बटन दे रखा है जी ये नीचे भाई, देख वो क्या नाम, लवलेश कर कुछ, लेकिन दरवाजा बंद ना कर अभी तरह, क्योंकि घर क्या ना चिंता होगी थी, और चिंता मन भी होगी थी, ये ना को तो 2 घंटे में लिख रहा था, लेकिन आज हो गए 4 घंटे, अरे 1 घंटा और बोला था अभी तुम। बस यही है काम, वीडियो देखता है हमारी सारी, एक बार बोलो, देसी देख, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे, बिल्कुल अंगूठा टेक। अच्छा, किसानों के लिए कुछ बनाया आपने? बिल्कुल सर, किसानों के लिए तो बिल्कुल फर्ज बताओ, हमारा भारत के रहने वाले हैं, तो ये सर किसानों के लिए मैंने बनाई है कृषि छड़ी। अच्छा, कृषि छड़ी। हाँ जी, कृषि छड़ी में क्या है कि मान लो सर मेरे खेत है, आपके खेत है, चीका में पड़ते हैं, मैं कैथल में रहता हूँ, तो अब डेली आना जाना पड़ता है चेक करने के लिए कि पानी आया ट्यूबवेल में, रात को 3 बजे बिजली आती है, कई बार आती भी है नहीं भी आती है, तो किसानों को क्या करना है, कृषि छड़ी अपने खेत में लगानी है जी। अच्छा सुनो भाई, सुनो, अपने जो धरती पुत्र अन्नदाता है, जो किसान है, जो किसान देवता है, उनके लिए सुनो ये क्या बात है। ये सर आपने पीछे से ऑन करके खेत में लगा देनी है कहीं भी। अच्छा, खेत में कितने भी धरती में गाड़ देंगे? धरती में गाड़ दो सर, मिट्टी में। तो ये आपको फोन पे, आज के टाइम में फोन पे कुछ भी कर सकते हो आप। अच्छा, तो हिंदी में पंजाबी में जो सी बात चाहिए आपको मैसेज आएगा। अच्छा, कि भाई प्यास लगी है पानी पा दे। अच्छा, अपने आप प्यास लगी है पानी पिया दे। हाँ जी। अच्छा, हिंदी में, हरियाणवी में मैसेज आएगा सर इसमें। हाँ। चार्ज नहीं करनी आपको, सोलर पैनल से फ्री में चार्ज होता रहता है 24 घंटे। अच्छा। इसके अलावा कितनी नमी है मिट्टी में, और कुछ हमारे जो फार्मर्स है इतने एजुकेटेड नहीं है, तो जो साइंस बोलते हैं कितनी नमी होनी चाहिए वो सारा कुछ ये मॉनिटर करती है। और आपको ये नहीं है कि सिर्फ बताएगा पानी डाल दे, चीका हो चाहे जी आप ऑस्ट्रेलिया रहते हो, इंटरनेट से कनेक्ट होती है, घर से बैठ के आप ट्यूबवेल को ऑन और ऑफ कर सकते हो। इससे ये तो ऑन ऑफ का भी हो गया, साथ साथ में क्या क्या चीज बताएगी इसमें, ऑन ऑफ कर सकते हो, और दूसरा आपको ख्याल आएगा कि किसी ने उठा ली, चोरी कर ली, तो सर अगर कोई भी इसके पास इंसान आएगा ना, सिर्फ इंसान आएगा, तो भी मैसेज आ जाएगा आपके पास कि खतरा, ये सारे फीचर्स तो इसमें डाले हैं जी। आपकी क्वालिफिकेशन? सर मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने प्लस टू किया है इंदिरा गांधी स्कूल से कैथल से, कॉमर्स में ही, बीबीए किया और अभी में। और यू क्या कहा दिया फिर, यू ये तो रिसर्च में पड़ गया। सर टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है जी मेरा, बहुत शौक है। ये शौक कैसे पैदा हुआ? छोटा था जब से टॉयज वगैरह मतलब लगा हुआ था, इंटरेस्ट में गया, तो बस फिर सिया सिया मासन कट हो गया, खेलते खेलते कट गए रस्ते। सुनो भाई, सुनो 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 सुनो, ध्यान है अपना बड़का ने, ये मोबाइल तो आप दे दे हाँ, लेकिन इसका सदुपयोग भी है दुरुपयोग भी है, तो आज वाली वीडियो ने गले गले शेयर करते रहियो। और ई मम तुम कहूँ भाई, 4 घंटे जब बंद भीतर था नहीं हूँ बालकनी में, तो मेरे ख्याल था अच्छा ही कर रहा था, हम तो सोच रहे थे कहते फ्री फायर पबजी खेलता हूँ। आप फ्री फायर और पबजी जैसे गेम था बचाओ, क्योंकि उसमें गाड़ क्राइम, बुंडा बोलना, घर में रोड़ा मचाना, झगड़े करना, क्या बना के किसी के लिए उनमत है खेलना, मतलब और क्या क्या बनाया। और सर अभी मैंने अपनी जैसे कंपनी स्टार्ट करी है, तो मैं चाहता था कि प्रैक्टिकली भी कुछ काम आए, तो मैंने अपना ये सबसे पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया है, रक्षक। रक्षक? हाँ जी, रक्षक। किस चीज का रक्षक? रक्षक सर ये मान लो कि आज के टाइम में क्राइम क्या है लड़कियों को लेके, आपको लेके, हमें भी लेके बहुत डिफिकल्टी है, कहीं पे भी दंगे होते हैं, कोई लड़की अकेली ट्रेवल करती है तो छेड़छाड़ के मामले बहुत रहते हैं, तो लड़कियों को क्या करना है, रक्षक उनकी सेफ्टी करेगा, क्योंकि ये रक्षक है, इसका रक्षा करना धर्म। कैसे सेफ्टी करेगा बताऊं? सेफ्टी ये करेगा, स्कोन करना है, कोई भी आपको तंग कर रहा है लगा दो, यानी कि मन चलाएगा 440 वाल्ट का झटका, कितने वोल्ट? ये सर 400 किलो वोल्ट का झटका मारेगा साथ के साथ। और जान तो जावा के लगी? नहीं, ये जान नहीं जाए, क्योंकि सर नॉन लीथल डिवाइस है, जान जावाने का सी जरूर है जी, पक्का है जी, ये मेरी गारंटी है। चलो अच्छा, ये चीजें इन्होंने इसलिए बनाई है, देखो आप कहो ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां सुरक्षित इसलिए कौन है, क्योंकि संस्कार खराब हो गए, तो संस्कार जिनके खराब हो रहे हैं उनका इलाज इस तरह बनेगा, यू बना दिया रक्षक, रक्षक है ये, और जो है लड़कियों के भक्षक उन पर अटैक करेगा ये रक्षक। हाँ जी बिल्कुल, और उनका अत्र भक्षक है, बिल्कुल क्यों नहीं, ठीक है जी।
अच्छा और क्या क्या भाई भाई अलग अलग शेयर करते रहो, क्योंकि मैंने 22 साल की उम्र में मतलब जो बालक जो घर घर में कमरा के दरवाजे बंद करे नी, तो उसमें सोचने लग जा भाई कैमरा क्यों कर रहा होगा। लेकिन आड़े जो दरवाजा बंद पाया बालकनी का या कमरा का दरवाजा, तो उसमें एक अच्छी बात है, अच्छा खातर कर रहा है, भला कर रहा है। कई बार मैंने देखे इनके पापा का उधर बोला श्याम बियाड़ा पुराना घर में कमरा ओढ़ते दरवाजा बंद कर ले। दरवाजा बंद करना क्यों जरूरी है ये बताओ, कंसंट्रेशन के लिए चाहिए थे, रिसर्च करने। अब जैसे पेटेंट भी है सर मेरे, काफी पेटेंट भी अप्लाई किए हैं, मतलब अभी मेरा पहला पेटेंट भी आया। हाँ जी, ये पहले पेटेंट की ग्रांट आ गई मेरी। इसमें जो दर्शक लेट जुड़े मैं बता दूं, किसानों के लिए मैजिकल स्टिक है जो कि आपके खेत में ट्यूबवेल न बंद करना, जो कर आपका टाइम भी बचाओगी। दूसरी बात, आपने मतलब एक टाइम में दो काम है, खेत का भी काम है और गले गले खाद भी लेनी है, तो खाद लेने चले जाओ और ये आपका मोबाइल में मैसेज दे देंगे भी इतना ट्यूबवेल चल लिया और पानी पूरा हो लिया खेत में, अपने ऑटो कट सारा ऑटो कट। अच्छा ये बहुत बढ़िया चीज है, जो अपने दिव्यांग है जो नेत्रहीन है उनने बड़ी दिक्कत आवे, वहां फिर चाहे किसी का सहारा ले, असल में तो सहारा देकर राजी नहीं, लेकिन उनका यह सहारा बनेगी या वास छड़ी है जो कि जादुई छड़ी है। तो इसमें एक ऑप्शन है, दिखाइए एक बार दोबारा, ये ऑप्शन है, मान लो दीवार आ गई सामने, ये देखो ये बीप की आवाज देगी, यहाँ पे वाइब्रेशन भी, और सुनो सोलर तय चार्ज होगी, आड़े वाइब्रेशन होगी, तो उसी टाइम एक जो जो नेत्रहीन व्यक्ति है उसी टाइम उस तय छड़ी कहूगी रोक दे मित्र, है ना, बोला रोक दे मित्र, बोला अपने कदम है ना 11 नंबर की गाड़ी ना, रोक दे मित्र रुक जाएगा। और ये बहुत अच्छी चीज लगी भाई मैंने। अच्छा और इसके अलावा क्या अवार्ड वगैरह मिले भाई आपको? चांद पर प्लाट कट गए, किसने कटे? अच्छा भाई चांद पर प्लाट ले आगे तुम लवरेज। न्यूयॉर्क से मैंने अप्लाई किया था, न्यूयॉर्क अमेरिका से। अच्छा। मैं पिछले साल रशिया गया था स्पेस एजेंसी में। हाँ। तो मतलब ये मेरा शौक है जी स्पेस फील्ड का, रॉकेट सैटेलाइट वगैरह भी बनाता हूँ मैं, इसके ऊपर भी काम करता हूँ काफी। और ये अवार्ड किसे? ये सर मेरा पहला पेटेंट आया, ग्रांट मिली है। अच्छा। ये क्या है, अभी हमारे घर में गैस सिलेंडर फट जाते हैं, उसके आग से हो जाते हैं। ये क्या करेगा डिवाइस आपका जो ये पेटेंट है, अगर मान लो बच्चे छोटे बच्चे गैस चालू कर देते हैं, चूहे पाइप काट देते हैं, अगर आप घर में भी यूज हो पड़े हो बाहर गए हो, अपने आप गैस सिलेंडर बंद हो जाएगा आपका। अच्छा। और जैसे फोन के अंगूठे से अपना फोन खुलता है ना, अपने अंगूठे से गैस चालू होया करेगी जी, अंगूठा लगाया गैस चलगी बस। भाई इतना ज्ञान करता अर्जित करात्री, देखो पढ़ाई आपकी कॉमर्स की, तो मतलब कहां से आते हैं ऐसे लोग, कहां से सीखते हो इतना कुछ सर? भाई वो है ना कि शौक बड़ी चीज है बस। अच्छा ये और क्या क्या रिसर्च करोगे अलग अलग भी, ये इसमें भी कुछ वो है क्या, या भाई बजा लेते हो? हाँ जी बजाओ बजाओ बजाओ। स्मार्ट डस्टबिन इसके लिए मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। अच्छा वर्ल्ड रिकॉर्ड ये मेरे को पता होता अगर आप आते तो मैं चार्ज रखता। इसमें क्या है कि सर ये आप तक देखा होगा, मैं बोलता हूँ आप बोलते हो, सारे बोलते हैं, डस्टबिन बोलता कभी नहीं सुना होगा जी आपने, दुनिया की सारी भाषाएं बोलता है। आप इसके पास से जाओगे, राम राम भैया जी नमस्ते कैसे हो, कचरा डाल दो, कचरा डालोगे धन्यवाद बोलेगा, दूर से चार्ज हो, दुनिया की सारी भाषा बोलता है जी। अच्छा कचरा मतलब यदि इसमें डालेंगे तो उसको धन्यवाद बोलेगा रिप्लाई में, यू ठीक भाई जाता है देख के आपको आसपास। अच्छा आस पास से कोई कचरा लेके जाता है उसको भी कहेगा रोक दे मित्र, रोक दे चलो। अच्छा इसको बचाओ यार थोड़ा, ये तो मतलब मेरा भाई बजाता है वो सिंगर। अच्छा, है अच्छा भाई ठीक है, या मिसाइल खड़ा पाकिस्तान का भेजेगा ये रॉकेट मतलब मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं। अच्छा 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 स्पेस सैटेलाइट भाई बता अंदर, ये कहते मेरा कितना हाथ लाकर झटका लग गए क्योंकि ये वैज्ञानिक काम करा कर। अच्छा ये भाई ये करमवीर चक्र मिला था मेरे, करमवीर चक्र मेरा नाम था ये, तो फिर ये रेक्स करमवीर चक्र और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मिला था। शेयर करते रहो भाई शेयर करते रहो। क्या है सर ये मेरे को मिला था जो अनाथालय है वहाँ पे मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाता हूँ ये सब चीजें रोबोटिक्स वगैरह सिखाता हूँ। अच्छा अच्छा तो उस कार्य को करने के लिए मिल रहा था। हाँ जी। अच्छा और इसके अलावा नया जी बताओ, ये करमवीर चक्र का मेडल है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर डस्टबिन का बनाया था, ये दुनिया का पहला ऐसा डस्टबिन है जो भाषाएं बोलता है बात करता है आपसे, आपको इंटरेस्ट। अच्छा, इस पे आपको क्या मिला है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला सर। अच्छा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड कब मिला भाई ये सर? मेरे को पिछले साल मिला था अमेरिका लंदन यूनाइटेड स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। वाह 5 कंट्री 2019 में मिला था। 2019 भाई टैलेंट की कमी कौन है भारत में, लेकिन टैलेंट की कदर कौन है? एक तरफ का स्किल डेवलपमेंट, सकिल का चक्कर में सकल तक खराब हो जाएगा दगी है, फिर सकिल डेवलपमेंट की योजना बनाने का फायदा क्या? हाँ जी ये नेशनल एक्सलेंस अवार्ड है सर ये मतलब मैं इनोवेशंस प्रमोट करता हूँ इंडिया में, बड़ी बड़ी इनोवेशंस जितनी भी अच्छी की है बड़ी तो नहीं मैं कहूंगा जी। तो उसके रिगार्डिंग मेरे को ऑनर दिया। टोटल कितने अवार्ड आए हैं लवलेस साहब? सर गिनती तो मतलब ये है कि मेरे पास 50 से ज्यादा तो होंगे मेरे ख्याल में। तो अब क्या कहाँ मतलब लवलेस को मैं बोलूंगा, रुक जा मित्र कहाँ रुकेगा लवलेस,
आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? सर अंतिम लक्ष्य तो आता ही नहीं जी कभी, जितना करो उतना कम है, बट यही है कि अब जो पब्लिक के लिए काम है, मतलब सोसाइटी में जितनी भी इन्वेंशन कर रहा हूँ किसी के काम आ सके, मार्केट में ला सको उनको, अच्छा, तो इसे ऊपर मतलब अपना काम। तो ये क्या है, इस पे ध्यान पड़ गया। अच्छा रिमोट है, ये ड्रोन का रिमोट। अच्छा यूके बना दिया फिर आपने, ये मेरी कंपनी स्टार्ट करी है जी, डीडी यूनिवर्सल। अच्छा इस पर कर दे भाई, जब का मार, जिन जिन इनसे कोई जानकारी लेनी होगी नी इसको दिखा दो, ये लवलेस का ही कॉन्टेक्ट नंबर है। और इसने वीडियो ने जी लगे जहाँ तक शेयर करियो भाई, बालक रहे हैं बिगड़े मोबाइल में, और अपने बालका ने कुछ अच्छा सिखा लो, कुछ उन्हें रिसर्चर बना दो, वैज्ञानिक बना लो, खोज करवा लो, और बोला खोज करोगे तो बोले आवश्यकता आविष्कार की जन्म। ये क्या बना रखे भाई? ये तो इसमें प्रोटोटाइप वगैरह बनाता हूं, 3D प्रिंटर बोलते हैं इसको। अच्छा हाँ जी, ठीक ठीक ठीक, झूठा खड़ा है जहाँ तक बनता है मित्र। हाँ जी, ये तो दिक्कत है जी। फौज में था पहले। अच्छा जी, मैं उसके बाद में रिटायरमेंट होने के बाद अभी SPU लग गया हरियाणा पुलिस में सर। हाँ जी हाँ जी, तो फौज की बात आ गई, फौजी भाइयों के लिए भी कोई ऐसी कोई डिवाइस जो अपनी बॉर्डर सेफ्टी पे काम आवे? हाँ सर बिल्कुल, मैंने पेटेंट अप्लाई कर रखा है आर्मी वालों के लिए। अब इसमें क्या रहता है कि सिक्योरिटी के ऊपर मैंने ग्लव बनाया, दस्ताना बोलते हैं हिंदी में, उसमें कोई भी अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का होगा, कोई भी टेररिस्ट का कुछ भी अगर मिलता है कि स्मार्टफोन हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज होगी, तो वो आपको सिर्फ ग्लव में ऐसे ऊपर से हाथ करना है, साथ के साथ डेड है उसका। अच्छा, वो हो जाएगा डिस्ट्रॉय। हाँ, मतलब इससे क्या रहेगा, सामने वाले को ये भी नहीं पता लगा किसी ने छेड़खानी करी है। हाँ, ना फिंगरप्रिंट आएंगे और टेक्निकल सुरक्षा कारणों से हम ये बात ज्यादा लाइव के दौरान नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये इसी बात है जिसका कोई दुरुपयोग भी कर सके, तो इसलिए ये वही चीजें, क्योंकि इनकी इंटरनल तो चल रही होगी बातचीत। अच्छा इसका एक बार दोबारा बता दो, ये क्यों फिर डिवाइस यूज करोगी या जो नेत्रा, ये नेत्रा को क्या करना है? छड़ी तो मैंने आपको दिखा दी। हाँ, अब इसमें क्या है कि छड़ी अगर आप को नहीं उठानी पसंद करनी, आप इसको अपनी रिस्ट पे लगा सकते हो, अंगूठ इसकी तरह, या आपकी शर्ट से भी चिपक जाती है। बेल्ट पे लगानी है, बेल्ट पे लगा आवाजें आएंगी। हाँ, इसमें क्या रहेगा, इससे इसमें से आवाज भी आएगी बीप की, अपना फोन वाइब्रेट होता है जैसे सर, वैसे वाइब्रेशन भी होगी, और GPS अपना पता भी कर सकते हो। पहले आप इसकी ड्राइंग बनाओ, ये नो काम है, इसके नो काम है, तो सारा इंटरनेट से रिसर्च करो भाई। सारा इंटरनेट से करता सर, इंटरनेट ने वैज्ञानिक बना दिया लवलेस को, क्योंकि इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो कॉमर्स है, लेकिन मेन तभी इंटरेस्टेड जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है वो है इसका टेक्निकल रिसर्चर। तो ये बताओ जी, मैं नुकू जाकर नहीं खोला, नहीं मेरे को बात करवा जा करो एक बार, हैंड फ्री करके नुका दे रहा हूँ, कर्मू आ गया रही। कर्मू भाई आपकी आवाज सुनकर तो आज इसने खोल दिया दरवाजा, ना तो माथा पैट के मर जाइयो, नहीं खोलता दरवाजा घनी घनी देर तक, हम नहीं कर रहे रोटी खा ले, इन्हें कोई रोटी का एक बात है, शुक्र है बाल को बटा रहा, नहीं तो बताऊ ये बाल कितने बढ़े मेरे। तो यह बहुत बढ़िया चीज है, इसकी आवाज सुन लो जिस तक हमने आपको मेरा पड़ जाएगा वो था ना। अच्छा अच्छा ना, या लाल लाल चलाओ, खतरे घंटी याद देखो भाई, देखो जो मन चले हैं, जो लोफर हैं, लफंडर हैं, खपीटर हैं, डिफाल्टर हैं, उनका खतरा यार। क्यों जी? लोफर, खपीटर, डिफाल्टर और फुकरे और फ्राडी और भाई जो उनसे मन चले हैं, जो लड़कियों की तरफ गलत दृष्टि से देखे हैं, उनका इलाज करेगी। इसका नाम क्या रखा? रक्षक। इसकी टैगलाइन है जी, जान है तो जहान है। ये अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें अच्छा इसमें डालते हैं, मेरा ब्रांड है, जान है तो जहान है। अच्छा देखो, सारी बातों के ऊपर एक बात आओगी, आप बहुत संघर्ष कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, खूब करा, लेकिन कई बार इन्होंने जा रहे बोले ए भी हो गया, ए भी हो गया, बोले एक ही हो गया। रिसर्च करी कितने साल तक इंटरेस्ट आपका इसमें? सर मेरे तो ख्याल स्कूल से थर्ड फोर्थ सेकंड क्लास से लगवाया हूं मैं। तो सरकार तो बताओ की अपील करना चाहो, क्योंकि सरकार का तो काम है बोला खटखट चोट सुनार की और एक चोट लुहार की। यदि लड़कियों की सुरक्षा के लिए, किसान भाइयों के लिए और नेत्रहीनों के लिए एक ज्ञान चक्षु लगा लो या फिर मैजिकल छड़ी लगा लो या मैजिकल छड़ी, तो यदि ये अपने देशवासियों के लिए देना चाहे है, तो उस संदर्भ में कुछ बात लवलेस रखेगा जो अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री को भी कर सको, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट की बात बहुत करे हैं। तो आप रखो अपनी बात, अपनी डिमांड, अपनी मांग, आपकी क्या वो रखना चाहोगे? सर मैं बात तो ये रखना चाहता हूँ कि मैं इन्वेंशन कर रहा हूँ, सिर्फ रख रहा हूँ, 20 से ज्यादा मैंने पेटेंट अप्लाई कर दिए हैं। अच्छा, तो मेरे हिसाब में सर अगर मेरा डिपार्टमेंट अलग है तो ये कमजोरी नहीं, ताकत होनी चाहिए कि हाँ आप एक के साथ 10 काम अच्छे कर सकते हो। बट अभी मेरे को समस्या क्या आ रही है प्लेटफॉर्म में बताऊंगा,
मेरी चीजें बन के रखी जा रही हैं सिर्फ कि मेरी एक कैपेसिटी है कि मैं एक लेवल पे मार्केटिंग कर सकता हूँ, एक लेवल उसको दिखा सकता हूँ। तो सर सरकार से चाहता हूँ, जैसे हमारे भारत में स्पोर्ट्स को बड़ा प्रोत्साहित करते हैं ना, अप्रिशिएट करते हैं, तो रिसर्चर्स को भी करना चाहिए कि मैं भी सर वर्ल्ड लेवल पे इंडिया के लिए नाम कर रहा हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि सरकार मतलब ग्रांट भी दे, कुछ मदद करे, फंडिंग में भी हेल्प करे और एक रिकॉग्निशन मिले, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप मुझे सिर्फ पैसे से ही मदद करते हो, पैसा सेकेंडरी चीज है। कुछ ऐसे लोगों को मैं जब दिखूंगा ना प्लेटफॉर्म पे कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो सर मैं मेरे जैसे 10 और लोगों को ट्रेन करूंगा, बड़ा बनाऊंगा अपना एक स्किल के माध्यम से मार्केट में इसी चीज ले सकते हैं, जिससे बेटी भी सुरक्षित होंगी, किसान को भी फायदा मिलेगा, जवान को भी फायदा मिलेगा, गला गला दिव्यांग को भी फायदा मिलेगा। इस तो पटा क्या फायदा होगा, स्कूल कॉलेजेस में भी अपनी लैब खोलना पसंद करेगा, अगर जैसे स्कूल कॉलेज में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वेल एजुकेटेड के काम आ रहे हैं। ये लवलेश कुछ दिन आ रहा है, फिर इनका बाबू ना लवलेश करे, वो तो भाई नासा चलेगा, उड़े अमरीका चलेगा, इंग्लैंड चलेगा, ऑस्ट्रेलिया चलेगा या विदेश में चलेगा, क्यों आड़े कदर को नहीं हुई, टैलेंट की कदर नहीं तो बाहर कदर माचे फिर उसका, फिर फलानी तकड़ी का सीईओ कौन है बोला, वो था ना सुंदर पिचाई था, क्या था वो है ना, तो था तो वो भारतीय लेकिन गूगल का सीईओ बना, क्योंकि या सर्च इंजन अपना के बढ़ कौन सका था, भारत में बढ़ सका था कि नहीं, सर्च इंजन ये गूगल के भरोसे बैठे हैं सारे, चाहे तो भगवान के भरोसे चाहे गूगल के भरोसे, ये वो गूगल बाहर आड़े पै लिया, और जो सुंदर पिचाई की आड़े कदर होंगी कदे, सुंदर पिचाई होगा ना नाम उनका, तो सुंदर पिचाई की जब कदर अपने भारत में होंगी तो अपना सर्च इंजन होता, आज अपना सर्च इंजन होता भारत का, तो कितनी बड़ी बात होती गूगल का भरोसा पूरी वर्ल्ड आज। अब जैसे आपने बताई ये बात, अब सर मेरे पास भी ख्याल बता देना चाहिए, अमेरिका से ऑफर आ रखा है, मैं चाहूँ तो मैं सुबह चला जाऊँ वीजा अप्लाई करके, बट वही है ना मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी भी एक लिमिट रहेगी, क्योंकि सर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि चीज बना के लोगों की मदद करनी है, बट सर का खून फुकता होगा कोई चीज बना दी और ठंडा बस्ता में आ जाए तो रिसर्चर का तो उस तब पट्टी खून जड़ नहीं सकता, चीज बना दी और उसकी कदर की कदर होनी और बेकदरी हो जाए तो फिर बाद में नुकार बोला मरता क्या नहीं करता, फिर यू जाओगा विदेश में है, कौन सा देश बनाने का विचार है, मैं तो अमेरिका जाऊंगा तो। वहां फिर कम से कम कदर तो होगी सर चीजों की, ये है। चलो चलो फिलहाल हमने इनके पापा ने मेरे को सरप्राइज दे दिया तकड़ाला, और कह बोला 4 घंटे तय लवलेश ने बालकनी का दरवाजा बंद करके आए, कदे यू बर लग कमरा के दरवाजे बंद कर ले, लेकिन इस समय जाए तो कौन बढ़ सकता है इसके कमरा का दरवाजा को नहीं, दिखाई रहे मोहित सुन जाग रहे हमें, हाँ इसके दरवाजा को नहीं, तो फिलहाल माम का वहां स्किल डेवलपमेंट की चाहे तो बात करो ना करो हो तो फिर उसकी कदर करो, स्किल की कदर करो और उस टैलेंट की भी कदर करो जिसकी वजह से पूरा भारत में इन चीजों का डंका बज सके, क्योंकि ये चीज आप विदेशों में विदेश का खेती सारा वर्ल्ड में है, इस सुरक्षा का मामला भी सारा वर्ल्ड में है, हालांकि भारत में ज्यादा जरूरत है इसकी, भारत में ज्यादा है क्योंकि बाहर तो सारा कुछ खुला काम हो रहा है, अच्छा ये इसकी भी सारा वर्ल्ड में जरूरत है, ठीक है नेत्रा की, ठीक है और भाई और बहुत सी डिवाइस है, टोटल कितने प्रोजेक्ट हैं आपके लवलेश? सर मैंने 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट बना दिए, 20 से ज्यादा पेटेंट अप्लाई कर दिए मैंने, और जो मेरा गोल है 1.5 साल में मैं 100 पेटेंट आराम से कर दूंगा, बट मजा तब आएगा जब सर चीज मार्केट में आएगी, मेरी फंडिंग मिल पाएगी गवर्नमेंट से, फायदा रहेगा और लोगों के काम नहीं आए वो चीज का कोई फायदा नहीं है ना, फिर एक चीज होगी धूल चढ़ेगी उन पर प्रोजेक्ट पर, प्रोजेक्ट पर धूल चढ़ेगी और इसका दिमाग खराब होगा, यू नो क्या के बड़ी या क्या बनी हूं तो कम रहा स्किल डेवलपमेंट, स्किल की कदरे नहीं तो जाग जो मार पछे पुकार को नहीं मंत्रो को, हाँ स्किल डेवलपमेंट की कदर करो, अपना देश में खूब सारे लवलेश हैं, खूब सारे अभिषेक हैं, मैंने मुरादाबाद तो दिखा देगा अभिषेक आविष्कारक 19-20 साल का लड़का, 21 साल सेम एज थी आपकी हम उम्र था, उस लड़का ने भी कोई कसर कौन छोड़ रखी थी लेकिन कदरे कौन कर रही, अरे छोरा तो के बताऊं बार तो दूसरे देशों में धमकी आएगी, बोला मारा देश में आवक नहीं, नू तक धमकी आई, बोला मारा देश में आवक नहीं, और वो मैं देश है तो उनसे भारत तय नफरत करें उन देशों के फोन आगे, तो अपना देश में टैलेंट की कदर करनी जरूरी है, होनी जरूरी है, और यू हाथ या चीज है राजनीति वाले के हाथ में, और नीत ठीक होनी चाहिए, उन्होंने कहा बोले नीत है तो नीत के लिए बरकत भी हो जाएगी, तो ये चीजें अपने देश का नाम हो जाएंगी, और अपना देश पेटेंट भी करवाने पड़ रहे हैं और धक्के भी खाने पड़ रहे हैं और भाई अपनी एनर्जी भी लानी पड़ रही है, तो फिर सर मैं मतलब 1 पेटेंट होने में 2.5 से 3 साल लगते हैं मेरे को, 1 पेटेंट आने में मेरा, ये मेरा 3 साल की मेहनत से 1 पेटेंट आया है,
और मैंने 20 से ज्यादा अप्लाई कर दी है और 100 से ज्यादा करूंगा। अब आप खुद सोचो, मैं 3 साल तक एक चीज के ऊपर लगा हुआ हूँ। लोग 3-3 साल की डिग्रियां भी बड़ी सोच के करते हैं और मैं एक इन्वेंशन को 3 साल से 4 साल दे रहा हूँ, तो थोड़ी तो मेरे ख्याल से सर सपोर्ट, मेरी एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है गवर्नमेंट से। चलो बोला नहीं तो फिर वो काम हो जाएगा, बोला बाबा आवा नी ताड़ी बाजे नी है पेटेंट आवे नी रिसर्च नु अपना अधर्म पड़िया रहेगा। चलो कर दो शेयर भाई, और कमरा में बंद होना मामला अच्छा लग गया क्योंकि रिसर्च कर रहा है, और आप पबजी और फ्री फायर और फजूल के उल जुलूल रील रैल चल रही है इन तय। हाँ जी अच्छा खड़े हैं नीचे है जी। अच्छा बहुत गेम खेला। अच्छा तू गेम खेले रहे क्या, कौन सा खेल रहे तुम? फ्री फायर खेल रहे। फ्री में फायर लग गया, फ्री में फ्री फायर की हिंदी बता की फ्री फायर की फ्री की आएगा वाह फ्री फायर फ्री मुफ्त की आएगा, आग लग गएगी काम खाएगी मुफ्त की दिमाग में। गेम नहीं खेलना बेटे ठीक है, तू भी अपने भाई की तरह पचल। भाई है ना आपका, कौन सी क्लास में पढ़े है? कोठी में है। फिर ठीक है समझ आ रही है। चलो इनकी मम्मी तब मिलांगे एक बार। अच्छा चल भाई एक बार। वो काफी बीमार है जी। अच्छा अच्छा 30 मिनट होगी के देख रहे मोहित ला जो। हाँ जी टेम का कौन भरा बटर था हमने लागे था हम। अच्छा कहाँ है इनकी मम्मी? अच्छा अच्छा राम राम जी राम राम। वो ठीक हो जी, राम राम कर दो आप भी हमारे दर्शकों ने, राम राम भी कर दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता दत्त है। चलो क्यों घबरा रहे हो, क्या क्या बात की चिंता कर रहे हो? नहीं चिंता तो इस लड़के की है, इसको करवाओ आप। ना यू छोरा यू नहीं रुकता है मेहनत कर रहा है ना, पर इसको कोई सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिल रही अभी। बोला खुद पूरी पूरी रात बैठा रहेगा ऐसे, पूरा सुबह 3:30 बजे नीचे उतर के आता है देख लो। अच्छा। पर इसको किसी साइड से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रही, तो बच्चे के टेंशन माँ बाप को रहती है। खुद ही को कर बुलंद इतना की हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, जो आपके अंदर है उसको दिमाग कहते हैं। और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है, आप ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आप आगे बढ़ो, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ ठीक है। जय जवान जय किसान। अच्छा दादी भी आवा है, दादी खातर तो बनाए थी वाह छड़ी ही जरूरत पे। चलो कर दो कर दो शेर। कहाँ है दादी? बस दादी पे हैप्पी एंडिंग हो जाएगी फिर। दादी कड़े है दादी तोड़ जा, आ जा दादी, कोई बात नहीं आड़े क्लोज कर देंगे दादी दोरे। दादी राम राम ठीक है दादी। भाई एक बार गाँव सुनो जी। हाँ जी क्या नाम है? रवि दत्त जी। दादी का वीडियो दिखानी शुरू कर दियो, 10 साल की वैलिडिटी इसकी पक्की बढ़ जाएगी। देखा ही तो बहुत देखे वीडियो समझ में सारी समझ में जब हमारी वीडियो देख ली 10 साल की वैलिडिटी बढ़ जाएगी पक्की बात है। ठीक है हाँ 10 साल की उम्र बढ़ जाएगी तेरी। ठीक है बेटे नू कह दे रही ना ये बालकाने को वाह बेटे मौज कर दी, मौज जम बढ़िया कर रखी है बेटे ने, मौज जमा कर रखी है। इतनी दूर से उठ कर मौज कर दी कितनी बात है। सही बात कर दो भाई सर, बात है जी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बात है।